बफर ओवरफ्लो जनरली जो लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे थ्रेट मॉडलिंग, उसी का इसको एक्सटेंशन समझ सकते हैं, क्योंकि जनरली हम लोग का टॉप हम लोग का जो ये क्लासेस है वो बेस्ड है वेब सिक्योरिटी पर, और वेब सिक्योरिटी में ना ही मतलब अगर कंसिडरेशन में लिया जाए तो थ्रेट मॉडलिंग और ये बफर ओवरफ्लो उसका सब टॉपिक्स नहीं ही बोल सकते, क्योंकि जनरली ये सब वेब में बहुत कम होता है। लेकिन जैसे थ्रेट मॉडलिंग था जो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के लिए ज़रूरी था, वैसे ही बफर ओवरफ्लो जिस सिस्टम पे हम लोग रन करते हैं अपना सारा वेब एप्स, जैसे कि जो ओएस हो गया या फिर सर्वर हो गया, वो सब में बफर ओवरफ्लो का बहुत सारा चांसेस है। तो वो सब के लिए बफर ओवरफ्लो जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए हम बफर ओवरफ्लो इसमें इंक्लूड किए थे। अच्छा, तो व्हाट इज़ अ बफर? बफर क्या होता है, जैसे एक प्रोग्राम है, एक मतलब ऐसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है वो पढ़ सकते हैं आप लोग, लेकिन बफर जनरली क्या होता है कि एक प्रोग्राम है, हम लोग जैसे कोई डेटा सी इन करते हैं, मतलब सी या सी प्लस प्लस प्रोग्राम में कोई डेटा हम लोग सी इन किए और उसको सी आउट किए, तो जो सी इन और सी आउट के बीच में जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, मतलब जैसे ही हम लोग डेटा उसको दिए और उसके बाद आउटपुट दिए, वो जहाँ पे टेम्प्रेरी स्टोरेज पे स्टोर होता है उसको बफर बोलते हैं। और हर बफर का एक साइज होता है, एक डेफिनेट एड्रेस होता है जो हम लोग पॉइंटर से देख भी सकते हैं, वो आगे चलते हम लोग देखने वाले हैं कैसे देखेंगे, तो उसको बफर बोलते हैं। अब बफर ओवरफ्लो क्या होगा, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ओवरफ्लो ओवरफ्लो क्या होता है, कब होता है, जब एक ग्लास है, एक ग्लास में उसके मतलब उसके कैपेसिटी से ज़्यादा जब पानी भर देंगे तो ऊपर से ओवरफ्लो होने लगता है। तो मतलब बफर ओवरफ्लो में क्या होगा, बफर की कैपेसिटी से ज़्यादा अगर उसमें हम लोग डेटा दे दिए तो वो ओवरफ्लो होने लगेगा। तो बफर ओवरफ्लो कंडीशन एग्जिस्ट व्हेन अ प्रोग्राम अटेम्प्ट्स टू पुट मोर डेटा इन अ बफर देन इट कैन होल्ड, और व्हेन अ प्रोग्राम पुट डेटा इन अ मेमोरी एरिया गेट पास्ट बफर। ठीक है, तो ये होता है बफर ओवरफ्लो। कोड लेवल पे जो बफर ओवरफ्लो होता है वो प्रोग्रामर का अजम्पशन को, मतलब जो वल्नरेबिलिटी वहाँ से प्रोड्यूस होता है, वो प्रोग्रामर जो अज्यूम करता है कि ये बाहर से हम लोग को जो डेटा मिलने वाला है वो इतना ही डेटा मिलेगा, उस डेटा को जब क्रॉस कर जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मतलब, तो वो कोड लेवल पे बफर ओवरफ्लो वल्नरेबिलिटी प्रोड्यूस करता है। अच्छा, और जनरली जो भी ओएस रन ओएस सॉफ्टवेयर से या फिर रन एनवायरनमेंट है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे कि सी और सी प्लस प्लस में लिखा हुआ है, तो सी और सी प्लस में बहुत सारा ऐसा मैनिपुलेटिव फंक्शंस भी एग्जिस्ट करता है जो कि बफर ओवरफ्लो को लीड करता है। तो लेकिन जैसे हम लोग देख सकते हैं कि जो हायर लेवल लैंग्वेजेस है जैसे जावास्क्रिप्ट, डार्ट, पीएचपी, पर्ल और पाइथन जैसा, उसमें बफर ओवरफ्लो होने का चांसेस लगभग नील रहता है, क्योंकि उसमें रैंडम डेटा असाइनमेंट बहुत इजीली हो जाता है। तो उसके लिए मतलब, तो जनरली जो भी जावास्क्रिप्ट डेवलपर है या फिर पाइथन डेवलपर है उसके लिए बफर ओवरफ्लो डेवलपमेंट के लिए जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जहाँ पर वो रन कर रहा है, जैसे कोई भी प्रोग्राम आप रन करते हैं लिनक्स एनवायरनमेंट पे, तो लिनक्स का आधा से ज़्यादा कर्नल लिखा हुआ है सी पे, तो कर्नल होता है, स्टैक होता है, स्टैक जहाँ पे आपका पूरा प्रोग्राम स्टोर हो रहा है वो पूरा सी और सी प्लस उसमें लिखा हो, तो उसमें बफर ओवरफ्लो ना हो उसके लिए बफर ओवरफ्लो जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर बफर ओवरफ्लो के एग्जांपल का बात करें, हेलो हाँ 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 सुन रहे, बोलो। अच्छा, आवाज़ आ रहा था, नहीं अचानक से मतलब उधर से रिस्पॉन्स। हाँ, तो बफर ओवरफ्लो के एग्जांपल का बात करें तो जैसे ये प्रोग्राम है, ये नॉर्मल सी प्रोग्राम है, इसमें क्या हुआ है, दो बफर बनाए, मतलब दो टेम्प्रेरी स्टोरेज बनाए प्रोग्राम में, दो टेम्प्रेरी स्टोरेज बनाए हैं हम लोग, बफर टू और बफर वन। बफर जो होता है वो कुछ भी स्टोर कर सकता है, इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, एरे, नंबर, कुछ भी। तो हम लोग दो बफर बनाए जिसका साइज़ कितना है, 16 bits। तो और एक बफर में हम लोग डेटा दिए ओवरराइट में और दूसरा बफर अभी खाली है। जो strcpy ये जो फंक्शन है ये ऐसा ही मैनिपुलेटिव फंक्शन है जो कि मतलब बफर ओवरफ्लो को फेवर करता है, मतलब
ये वल्नरेबल है बफर ओवरफ्लो से। तो हम लोग अगर इसका आउटपुट देखेंगे तो इसका आउटपुट है बफर वन का वैल्यू कितना आ रहा है कुछ नहीं, और बफर टू का वैल्यू आ रहा है ओवर राइट में जैसा कि प्रोग्राम में। अब अगर हम लोग यहाँ एस टी आर सी पी वाई फंक्शन क्या करता है, जो यहाँ पे स्ट्रिंग रहेगा उसको कॉपी कर देगा इस वेरिएबल में। तो इसका साइज 16 है। यहाँ पे अगर हम लोग 10 बिट्स का अगर और प्रोग्राम में देखें तो भी पता चलेगा कि इसका जो एड्रेस है, जो मतलब इसका एड्रेस है उससे 16 बिट्स पहले है इसका एड्रेस। इसका 50 है और इसका 60 है, तो हेक्साडेसिमल में इसको 16 बिट्स पहले बोलते हैं। इसमें देखा जाए तो अगर इसमें हम लोग 10 बिट्स का कोई नंबर पास करते हैं 8 9 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर अगर जीसीसी फॉर एग्जांपल हाँ, तो जैसा हम देखे कि ये बफर वन का वैल्यू भी एकदम शांति से प्रिंट किया, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हम लोग देख रहे हैं कि दोनों का एड्रेस में कितना डिफरेंस है 16 बिट्स का, तो मतलब ये 16 बिट्स आ गए हैं। अब हम लोग फिर से अगर इसमें ये अभी हम लोग इसमें हम लोग 10 बिट्स पास किए थे, ठीक है, अभी हम लोग इसमें 16 बिट्स से ज़्यादा पास करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ऑलमोस्ट 18 बिट्स का ये स्ट्रिंग है। तो नहीं 18 बिट्स का नहीं करते हैं, पहले 16 बिट्स का करते हैं। तो ये ऑलमोस्ट कितना 10 11 12 13 14 15 16 बिट्स का, 16 बिट्स का पास किए। ये देखिए ये वार्निंग है, वार्निंग किस पे दे रहा है, एस टी आर सी पी वाई पे। ये मतलब अभी ये पता चल चुका है कि ये फंक्शन वल्नरेबल है बफर ओवरफ्लो से। तो अभी हम लोग का सिस्टम वार्निंग दे सकता है, इस वार्निंग को भी हटा सकते थे, लेकिन ये वार्निंग दिखाने के लिए कि कैसे हम लोग का बफर ओवरफ्लो हो सकता है उसके लिए ये रखना ज़रूरी था। अब अगर हम लोग प्रोग्राम रन करते हैं तो अभी भी ठीक रन किया क्योंकि दोनों का वैल्यू 16 बिट्स था, इसमें 16 बिट्स स्टोर हुआ। अब अगला में हम लोग इसको एक बिट और दे देते हैं, माइक ऑफ कर ट्रक का आवाज किसका आ रहा है मैसेज में क्या देखना है। हम एक मिनट में, एक मिनट ठीक है। हेलो, हाँ मैं बोले। हाँ बफर फ्लो तो अपने काम का चीज नहीं लग रहा, हमने तो डार्ट यूज करते हैं। हम भी वही सोच रहे हैं, हम लोग का पॉसिबल हो सकता है ये, हम लोग का तो पूरा एकदम एग्जैक्ट जितना बीट है तो उतना ही बीट लेगा, एक आध इधर उधर नहीं लेगा, इधर वार्निंग वार्निंग नहीं है। पॉसिबल डार्ट प्रोग्राम में नहीं होगा, पॉसिबल कब होगा कि जब तुम डार्ट का मतलब रन टाइम एनवायरनमेंट पे रन कर रहे हो, डार्ट प्रोग्राम से तुम आउटपुट भेजे। हेलो, हाँ हेलो, हाँ हम बोल रहे हैं कि डार्ट प्रोग्राम का जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट का जो आउटपुट आएगा तुम लोग का मतलब आप लोग का, तो वो आउटपुट तो कहीं और जाएगा ना, वो सर्वर पे जाएगा या फिर रन टाइम एनवायरनमेंट में जाएगा या फिर किसी एपीआई कॉल करे या फिर कुछ भी रन टाइम में भी, तो या तो डार्ट या तो नोट चल रहा है ना। हाँ तो ठीक है, रन टाइम में भी नहीं होगा, लेकिन और जो एनवायरनमेंट में जैसे कोई लिनक्स सर्वर पे रन कर रहा है तो उसका अगर आउटपुट उससे ज्यादा हो गया जितना मेमोरी पहले से है तब वल्नरेबिलिटी हो सकता है। तब तो ऐसे भी क्रैश करेगा वैसे भी क्रैश करेगा, तो उसमें वल्नरेबिलिटी क्या है? क्रैश करने में ही वल्नरेबिलिटी, वो आगे हम बताते हैं, पहले एग्जांपल दे दें। तो मतलब बफर ओवरफ्लो वेब के साथ भी है। तो अभी हम लोग क्या देखे थे, इसमें हम लोग एक बिट बढ़ाएं, तो एक बिट जब बढ़ाते हैं तो फॉर एग्जांपल चाहे कितना बिट्स हो, एक और थीम कौन सा है? ऑल लेवल 10 के। ये देखिए ये क्या हुआ,
ये जब हम लोग इसको मतलब बहुत ज्यादा बिट्स का वो दे दिए तो ये एक एरर दे रहा है, स्टैक स्मैशिंग डिटेक्टेड टर्मिनेटेड, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये मतलब आपका स्टैक ही बंद कर दिया। और ये जो एड्रेस दे रहा है अबॉर्ट, ये एड्रेस आप लोग को, हम लोग को पता नहीं चलता है मेमोरी स्टोरेज में कहाँ पे है। तो अभी तो ये एड्रेस से आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि मतलब सी जी 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 सी सी कंपाइलर में जो पहले था वो, मतलब पहले क्या होता था कि वो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लीक आउट कर देता था। तो अभी क्या करता है, अभी अभी उतना इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करता है। पहले यहाँ पे एड्रेस के साथ साथ अगर ये कोई आईपी से रिलेटेड है तो वो आईपी दे देगा, और किसी सर्वर पे ये प्रोग्राम रन कर रहा है तो उस सर्वर का एड्रेस वगैरह सब दे देता है, सब दे देता था पहले। तो इसी का यूज़ करके करीब 1980s में जो पहला बफर फ्लो अटैक हुआ था, वहाँ से मेरे को पता चला था कि बफर फ्लो एग्जिस्ट करता है। एक मॉरिस वॉर्म करके था, मॉरिस वॉर्म करके एक वल्नरेबिलिटी उस टाइम डिटेक्ट हुआ था, जो कि दुनिया का 10% इंटरनेट डाउन कर दिया था एक बफर फ्लो अटैक से। अच्छा, वो 1980s का था। उसके बाद तो बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ और तब बफर ओवरफ्लो पहला बार पता चला था। अच्छा, तो ये एक एग्जांपल था बफर ओवरफ्लो का, जिसमें ये नॉर्मल सी प्रोग्राम है, जिसमें दो बफर बनाए हम लोग 16 बिट्स का। और जब एक बफर में 16 बिट से ज़्यादा का वो देते हैं एड्रेस, तो जैसा कि हम लोग देखे स्टैक टर्मिनेट हो गए, स्टैक स्मैशिंग टर्मिनेटेड। तो बफर ओवरफ्लो एक्चुअली दो टाइप का होता है, एक एक जो स्टैक पर अटैक करता है और एक जो हीप मेमोरी पर अटैक करता है। तो हीप मेमोरी तो मतलब अभी जैसे डेवलप जैसे OCW में बताया कि हीप मेमोरी पे बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है, लेकिन उस टाइम के बाद से बहुत सारे टेक्निक्स जैसे कि ASLR और DLL ये सब इंट्रोड्यूस हुआ है, तब से और रैंडमाइज हो गया है और क्या बोल और बहुत डायनेमिक हो गया, तो उस पर हीप मेमोरी पे इफेक्ट नहीं पड़ता। अब बफर ओवरफ्लो और वेब से देखते हैं, तो अटैकर्स यूज बफर ओवरफ्लो टू करंट एग्जीक्यूशन स्टैक ऑफ वेब By sending carefully crafted input to a web application. मतलब आपको कोई इनपुट आया जो है, जो आप मतलब आप जावास्क्रिप्ट में लिखे हैं ये बैकएंड या फिर फ्रंट एंड जो भी है, तो आपको जो इनपुट प्रोवाइड किया कोई भी अटैकर, वो आपको कुछ वो डिफेक्ट निकलेंगे, उसका आउटपुट आया, वो आउटपुट आपके रन टाइम इन्वॉल्वमेंट में गया, जो कि अगर लिनक्स हुआ तो लिनक्स में एक बफर बनाया हुआ है उस वो आउटपुट स्टोर करने के लिए। तो अगर उस बफर को एक्सीड करता है, अगर आउटपुट का ये आउटपुट का क्या बोलेंगे, आउटपुट का मेमोरी, तो बफर ओवरफ्लो हो जाएगा। और उसके बगल में और भी तो स्टोरेजेस बनाया होगा ना, और भी तो बफर होगा जो कि दूसरा आउटपुट के लिए होगा। तो अगर वो ओवरफ्लो होकर किसी और बफर में चल जाएगा, तो जो आउटपुट उससे हम लोग को जो जो फाइनल आउटपुट जो अटैकर के पास आएगा वो क्या होगा, वो प्रेजेंट बफर का भी होगा और उसके बगल वाले बफर का भी होगा, जिसको आप नहीं चाहते कि उस वो अटैकर के पास जाए। तो वो प्रिवेंट करने के लिए भी बफर ओवरफ्लो डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है कि डिटेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो कि JS में बहुत ईजिली हो सकता है। ट्राई एंड कैच मेथड जो हम लोग यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में, वो जनरली बफर ओवरफ्लो डिटेक्शन में बहुत हेल्प कर सकता है। और बफर ओवरफ्लो का रिस्क होता है, एक तो कैटेगरी अवेलेबिलिटी, मतलब क्रैश जो आप बोले कि सिस्टम क्रैश हो जाएगा अगर बफर ओवरफ्लो हुआ, जनरली डीडोस या फिर ब्रूट फोर्स जब होता है तो वो जनरली लोग चाहता है कि बफर ओवरफ्लो ही हो, मतलब ब्रूट फोर्स, तो अब तो ब्रूट फोर्स का कोई मतलब रह नहीं गया, अभी बहुत कम चांसेस है कि ब्रूट फोर्स होगा, क्योंकि बहुत सारा वेबसाइट्स तो ये हर एक पासवर्ड अटेम्प्ट के बाद रिफ्रेश कर देता है। तो ब्रूट फोर्स का कोई फायदा रह नहीं है, तो ब्रूट फोर्स का जनरल अटेम्प्ट होता है कम से कम बफर ओवरफ्लो हो जाए, ताकि कुछ जो सब्सटैंशियल डेटा है वो कम से कम अटैकर के पास आ जाए। और एक होता है एक्सेस कंट्रोल, अगर सर्वर डाउन हो गया तो एक्सेस कंट्रोल ले सकते हैं, फिर अगर कोई गलत इंस्ट्रक्शन, सर्वर डाउन होने पर कैसे एक्सेस कंट्रोल ले सकते हैं, मतलब सर्वर का एक्सेस, जैसे आप तो एक्सेस नहीं कर पाएंगे ना, हाँ तो फिर अटैकर कैसे एक्सेस कर पाएगा, अगर अटैकर एक्सेस नहीं कर रहा, अटैकर तो मतलब आप जैसे उस दिन बोले थे लास्ट थ्रेट मॉडलिंग में कि एक पर्टिकुलर सब डोमेन पे डीडोस किया था कुकी टेक के वेबसाइट पे,
वो जो पर्टिकुलर सब वो वाला डोमेन तो अब डाउन हो गया ना? नहीं अच्छा ठीक है, ये थोड़ा बोगस हो गया, ठीक है ये सब है। और भी होता है कि जब और बफर ओवरफ्लो, जनरली बफर ओवरफ्लो कब कब होता है? जब हम लोग ज़्यादातर एक्सटर्नल डेटा पे वो करते हैं, इट डिपेंड करते हैं कि जो हम लोग का आउटपुट आ रहा है वो एक्सटर्नल डेटा ये कर रहा है, मतलब एक्सटर्नल डेटा उसको लीड कर रहा है, या फिर जो प्रॉपर्टीज ऑफ डेटा होता है जो हम लोग आउटपुट एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको फिल्टर करना बहुत ज़रूरी होता है कि जो प्रॉपर्टीज हो वो बहुत ही मतलब इन्फोर्स रहे कि इमीडिएट स्कोप ऑफ कोड के बाहर ही रहे, मतलब कोई ऐसा ना हो कि हम लोग आउटपुट ऐसा एक्सेप्ट कर रहे हैं जो हम लोग को कोड में प्रॉब्लम करे और सब्सटेंशियल डेटा रिवील कर सके। और एक और चीज़ होता है कि जब प्रोग्रामर कोड का बिहेवियर प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी, इतना कॉम्प्लेक्स कोड रहता है, तो उसमें भी ये बफर ओवरफ्लो बहुत जल्दी हो जाता है कि अगर आउटपुट अगर आपको पता नहीं है कि आपका आउटपुट क्या होने वाला है तो जब भी अटैकर कोई स्क्रिप्ट रन करेगा या फिर इन्फोर्स करेगा तो वो आउटपुट कुछ भी हो सकता है, वो आउटपुट आप ही को नहीं पता है तो आप उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, तो उसमें भी बफर ओवरफ्लो बहुत ही मायने रखता है। एक और एग्जांपल है जो था हर्ट बीट बग, ये क्या हुआ था, ओपन एसएसएल का क्रिप्टोग्राफी का एक ये है ना, मतलब ओपन एसएसएल में काम किए हुए आप? हाँ, तो ओपन एसएसएल में क्रिप्टोग्राफी का एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में एक बग फाइंड हुआ था जो कि बफर ओवरफ्लो को प्रेफरेंस देता था, और उस प्रेफरेंस से क्या हुआ था कि बहुत सारा पासवर्ड्स और अकाउंट इन्फॉर्मेशन रिलीज हो गया था बहुत सारे कस्टमर्स का, तो उसके बाद से इसका सीवी बन के अब तो ये बग ठीक हो गया, अब ये बग एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये एक बग मिला था, ये बहुत बड़ा बग है, हार्ट बग करके नाम है इसका। अच्छा, इसका एक अलग से अपना वेबसाइट, कोई भी सीवी जो बहुत बड़ा हो जाता है उसका अपना अलग से वेबसाइट हो जाता है, इसका सीवी मतलब सीवी होता है कि सीवी जैसे कोई भी एक बग फाइंड करते हैं तो सबको एक सीवी नंबर मिलता है, ये जैसे ये है CV 2014-0160, तो ये रिप्रेजेंट करता है मतलब सीवी जैसे यूनिक आईडी होता है तो ये कोई भी एक बग का यूनिक आईडी होता है। अच्छा, हाँ, ये कॉमन वल्नरेबिलिटी एंड एक्सपोजर्स, इसको ऐसे रिश्ते से केमिस्ट्री में वो नहीं था IUPAC नेम्स हम लोग देते थे, तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग CVE नेम्स देते हैं। कोई वक्त तो ये एक हार्टबीट बग मिला था। अच्छा, और अगर एग्जांपल्स देखें मतलब वेब और एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो एक AOL का एक ऐप था, मतलब AOL का एक AOL का ऐप था AIM Instant Messaging, ठीक है, उसमें 2004 में क्या हुआ था, एक बफर ओवरफ्लो अटैक हुआ था, जो कोई भी अगर एक आदमी कोई भी मतलब एक मैसेज जो मैसेज लिखता है आई एम अवे विथ अ लिंक, यू मतलब URL है और उसके बाद आई एम अवे लिखा हुआ है, तो वो मैसेज वल्नरेबल हो जाता था अटैक के लिए। अच्छा, तो उससे ही बहुत सारा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक हुआ था, लेकिन ये जैसे उस टाइम कोई मतलब इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप सब यूज़ नहीं होता था तो उतना ये थ्रेट नहीं था, लेकिन अब के टाइम में अगर ऐसा बग किसी भी इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप में अगर रिलीज हो जाता है तो ये बहुत ही मतलब वो कर सकता है। तो इसके लिए AOL क्या किया था, AOL क्या किया था, अपना सिक्योरिटी पॉलिसीज चेंज कर दिया था, तो बफर ओवरफ्लो बहुत बार सिक्योरिटी पॉलिसी चेंज करने से प्रिवेंट हो सकता है, मतलब वो जैसे मतलब व्हाट्सएप में 9 डिजिट से ज़्यादा अगर आप नंबर डालते हैं 9 या फिर 9 से कम तो वो एज अ फोन नंबर ट्रीट होता है या एज अ लिंक ट्रीट होता है।
अगर 9 कैरेक्टर से ज्यादा डालते तो ये सिक्योरिटी पॉलिसी चेंज करके एवल भी कुछ अपना उस टाइम मतलब इसका एक वो निकाला था, अच्छा मतलब इसको मिटिगेट किया था। फिर 2003 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सिस्टम पे एक ब्लास्टर वॉर्म नाम करके एक अटैक हुआ था जो कि रिमोट प्रोसीजर कॉल फैसिलिटीज को मतलब वल्नरेबल किया था, जो अगर एक गिवन कंप्यूटर पे अगर उसको इंस्टॉल करते हैं तो वो और ज़्यादा मतलब वो ये होता था, एक्सीट होता था कि और वल्नरेबल कंप्यूटर्स को फाइंड करता था कि और कहाँ कहाँ वो जा सकता है। अच्छा। और जैसे ही एक वल्नरेबल कंप्यूटर मिलता था उसमें वो एक इंस्ट्रक्शन प्रोसेस ऑन कर देता था जो कि मतलब उसको टारगेट करता था एक कंप्यूटर को। वायरस था क्या, उस वायरस में कोड क्या था और एग्जैक्टली कैसे वो काम किया? नहीं, अगर वायरस का कोड आपको कैसे वो तो अटैकर रिलीज किया ना। हाँ, तो कहीं ना कहीं तो वो होगा ना। नहीं, जैसे सर्च अथॉरिटीज होता है तो सर्च अथॉरिटीज जनरली सीवी में क्या सीवी क्या है और क्या होता है वो रिलीज करता है। अटैकर कैसे प्रोसीड किया था और क्या किया था वो तो ब्लॉग्स में मतलब वो जनरली ब्लॉग्स में मिलता है जो कि बोगस हो सकता है, वे हो सकता है, जरूरी नहीं है सही। मतलब वो डिफरेंट अप्रोच होता है, आप एक अटैकर क्या किया था उस टाइम वो जनरली पता चलता नहीं है। और एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी था वेब से रिलेटेड जो कि पीएचपी में था। पीएचपी अभी भी प्रोन है अगर देखा जाए तो इसके लिए। पीएचपी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पीएचपी फाइल्स रहता है तो उसको मतलब अच्छा से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या फिर मतलब इधर से उधर सेंड करने के लिए उसको डॉट पीएचएआर में करके, डॉट पीएचएआर एक फाइल सिस्टम है उसमें करके उसको हम लोग शेयर कर सकते हैं। तो इस क्लास मतलब ये एक क्लास टाइप है, एक पीएचपी का एक्सटेंशन है, तो इसको यूज करके हम लोग आर्काइव पास कर सकते हैं, फाइल लिस्ट कर सकते हैं और फाइल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उस टाइम क्या हुआ था, मतलब इसका जो पहले कोड था जो डॉट पी एच ए आर को ये करता था, डॉट इसका जो पहले डॉट पी एच ए आर को मतलब जो कोड एग्जीक्यूट करता था उसमें बफर ओवरफ्लो अटैक हुआ था और वो बहुत सारे डिस्टिंक्टिव फाइल्स रिलीज कर दिया था अटैकर को। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो फाइल नेम सारा कंटेंट करके और एक एक्सटेंशन में डाल के डिस्ट्रीब्यूट करता था, मतलब फाइल लिस्ट करता था, एक्सट्रैक्ट करता था, आर्काइव करता था, ये सब करता था। तो ये पीएचपी अभी भी देखा जाए तो मतलब पूरा एक एक्सटेंशन का कोड तो आप चेंज नहीं कर सकते। तो कहीं पे चेंजेस हुआ था एक जगह पे, मैक्स पाथ लेंथ जो था, एक वेरिएबल था मैक्स पाथ लेंथ MXPATHLEN, तो उसको चेंज करके उसका प्रॉपर्टीज में चेंजेस लाया गया था। अच्छा। तो, लेकिन फिर भी आज भी अगर देखा जाए और अगर थोड़ा मतलब बफर ओवरफ्लो अटैक जैसे रोज ही कहीं ना कहीं होता है ऑन अ वेरी स्मॉल लेवल, और या फिर ज़्यादातर सर्वर डाउन होता है वो जनरली होता है बफर ओवरफ्लो अटैक्स के लिए। तो देखा जाए तो अभी भी PHP प्रोन है बफर ओवरफ्लो से, वो अच्छा है, हम लोग PHP यूज़ नहीं करते हैं। तो ये कोई भी अटैकर यूज कर सकता है इसको PHP सर्वर को क्रैश करने के लिए, और मैलिशियस कोड भी एग्जीक्यूट हो सकता है इससे एक वेब सर्वर पे। अच्छा। तो ये जैसा मतलब बोलते हैं कि वेब में खतरा नहीं है, तो वेब में भी खतरा है क्योंकि भले ही JS और Dart और ये सब में खतरा ना हो, अच्छा एप्लीकेशंस में जो लॉग्स जहाँ पे जो स्टोर होता है, मतलब किसी एक एप्लीकेशन का लॉग स्टोर होता है ना हर एंड्रॉयड ऐप में या फिर iOS ऐप में, तो लॉग्स जो स्टोर होता है वो भी बफर में ही स्टोर होता है। और आपको पता होगा लॉग्स में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होता है। तो वो भी एक बफर में स्टोर होता है, और वो वहाँ पे अगर बफर ओवरफ्लो अटैक होता है तो यूज़र का बहुत ज़्यादा ये सेंसिटिव डेटा लीक होने का चांसेस है। अच्छा। तो वो अपने डेटा के तौर में या कोई मैलिशियस कोड पास करता है या फिर कोई ऐसा इनपुट देता है जो आप लोग पहले अच्छा। चेक नहीं किए। हाँ, बफर ओवरफ्लो के बारे में सिर्फ यही है कि मतलब जब मेमोरी ओवरफ्लो हो जाता है तो मेमोरी ओवरफ्लो हो जाता है
तो दूसरा स्टैक मतलब जो बफर है उसके बाद वाला जो बफर है वो भी हमको मिल गया कि उसके वो अलावा भी मिल सकता है या फिर उसके अलावा जो भी अगल बगल वो क्या है वो तो जो डिजाइन क्या है उसको पता है ना कि उसके बाद कौन सा प्रोसेस रन हो रहा है। तो पहला प्रोसेस में अगर बफर ओवरफ्लो होता है तो दूसरा प्रोसेस में भी प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा तो माइक्रो प्रोसेसर पढ़े हो? माइक्रो प्रोसेसर थोड़ा सा पढ़े। 8085 का प्रोग्रामिंग किए हो कभी? 8085 का प्रोग्रामिंग नहीं किए, मतलब कौन से लैंग्वेज में? VHDL में। VHDL नहीं तो 8085 में कोड असेंबली में लिखा जाता है या बाइनरी में? अच्छा हाँ हाँ नहीं नहीं असेंबली में अभी तक कोड नहीं किया। नहीं क्यों ना, तुमको कुछ इंटरेस्टिंग बात बताएंगे बफर ओवरफ्लो में, तुमको एक चीज़ थोड़ा और क्लियर हो जाए। मैंने अभी जो बोल रहे हो कंप्लीट कर लो। हाँ असेंबली में भी मतलब बफर ओवरफ्लो होता है, जैसे लो लेवल लैंग्वेजेस सब में बफर ओवरफ्लो और असेंबली में भी होता ही है। डिटेक्टिंग बफर ओवरफ्लो जो पहले बोले कि मतलब बफर ओवरफ्लो बहुत ज़्यादा रिलाई करता है कि मतलब कोड कैसे लिखा हो। फिर दूसरा होता है कि मतलब बहुत सारा फंक्शन है, जैसे कि सी और सी प्लस उसमें देखा जाए तो दो टाइप्स का फंक्शन है स्ट्रिंग के लिए, एक है str फंक्शन और एक है strn फंक्शन। तो str फंक्शन यूज ना करके strn फंक्शन यूज करें तो बफर ओवरफ्लो प्रिवेंट हो सकता है। मतलब strn, हाँ strn, जैसे strcpy है उसकी जगह strncpy। अच्छा एक और फंक्शन है gets, gets फंक्शन की जगह fgets फंक्शन अगर हम यूज करते हैं तो बफर ओवरफ्लो नहीं होगा। अच्छा इसमें अगर ये वाले प्रोग्राम में प्रिंट एफ चेंज करके, अच्छा नहीं ये तो डॉट सी पी पे लिखना पड़ेगा, अगर हम लोग गेट्स यूज करते हैं एफ गेट्स की जगह तो एक वार्निंग आता है ऐसा सेम वार्निंग जो यहाँ पे आया कि वार्निंग गोल्डन मेन सी पी वाई। ये वार्निंग क्या होता है, राइटिंग 39 बिट्स इनटू रीजन ऑफ साइज 16 ओवरफ्लोस द डेस्टिनेशन। तो वही है कि fgets में भी gets और fgets में भी सेम वार्निंग आता है। आप लोग देख सकते हैं और हम strcpy को strncpy करते हैं और होने का चांसेस अभी भी है क्योंकि 16 बाइट्स ही है। strncpy क्या है, strncpy के लिए मतलब वो यहाँ पे एक एक्सटर्नल वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो मतलब strcpy की जगह strncpy यूज़ करते हैं तो मतलब यूज़फुल होगा। और मतलब कंपनीज अपडेट करते रहता है, अपडेट्स जैसे आते रहता है और अपना अगर इन्वायरमेंट अपडेटेड रखे और जहाँ पे रन हो रहा है कोड वो सब अगर अपडेटेड रखें तो बफर ओवरफ्लो से बच सकते हैं। अच्छा और प्रिवेंट के लिए बाउंस चेकिंग होता है। बाउंस चेकिंग क्या होता है कि जहाँ पे आउटपुट आपका स्टोर हो रहा है वो कितने बाउंस का है, अगर वो आप सही करें तब तो बफर ओवरफ्लो हो गई। अच्छा तो फिर जो हम बोले कि strn फंक्शन यूज करना चाहिए, यूजिंग strn फंक्शन रेगुलरली अपडेटिंग योर प्रोसेसर एंड प्रोग्राम। एक जो मेथड था जो 2004 या फिर 2005 के आसपास आया था, ये था एड्रेस स्पेस लेआउट रैंडमाइजेशन। ये मतलब जो भी ये एक स्पेस का लेआउट को रैंडमाइज कर देता है। अच्छा। लेकिन जैसा इसको बोला गया था कि बहुत ही ये यूजफुल मेथड है और बहुत काम करता है, लेकिन इसमें शॉर्टकमिंग्स है बहुत सारा। ये तो बेसिकली इज नॉट समथिंग अंडर आवर कंट्रोल आइदर ना, ये तो मतलब कर्नेल ही कर देता होगा ना। क्या ये ASLR? हाँ नहीं, ASLR का एक शॉर्टकमिंग ये भी है कि ये सारे कर्नल्स पे काम नहीं करता और सारे एनवायरमेंट्स पे काम नहीं करता। ASLR मेथड निकला था लेकिन इसमें बहुत सारा शॉर्टकमिंग्स था। पहला तो कि मतलब बूट टाइम पे रिफ्रेश हो जाता है हर बार, अभी एक बार एक सिस्टम बूट करेंगे दोबारा तो ASLR रिफ्रेश हो जाएगा, फिर से शुरू से स्टार्ट कर देगा। फिर इसका बहुत सारा लाइब्रेरीज और एग्जीक्यूटेबल फाइल्स अनसपोर्टेड रहता है ASLR से।
तो जनरली हम ASLR यूज करना बहुत सारे प्रोग्रामर्स मतलब वो करेगा डिफ्लेक्ट करेगा ASLR यूज करने से। अच्छा और अगर कोई अटैक होता है तो ASLR आपको वो नहीं करता है मतलब क्या बोलेंगे अलर्ट नहीं करेगा मतलब जैसे यहाँ पे एक अलर्ट है ना ये तो एक वार्निंग है वार्निंग क्या है एक अलर्ट की तरह अगर आप ASLR यूज करते हैं तो ये ऐसा वार्निंग ASLR नहीं दे पाता। अच्छा तो ये भी एक प्रॉब्लम और ASLR बहुत ही इजीली एक्सप्लॉइटेड है तो इस पर रोज कोई ना कोई एक एक्सपर्ट बन रहा है जो कि मतलब ASLR को डिफ्लेक्ट कर सकता है तो इसीलिए ASLR आया था एज अ मेथड टू प्रिवेंट बफर ओवरफ्लो लेकिन इसका बहुत सारा शॉर्टकमिंग बफर ओवरफ्लो जैसा कि आप लोग इसमें बोले नहीं कि मतलब आप लोग के काम का नहीं है लेकिन फिर भी इन्वॉल्वमेंट जहाँ पे रन हो रहा है या फिर जो भी रन टाइम है उसके लिए बहुत ही यूजफुल होता है बफर ओवरफ्लो अगर पता रहे तो। अच्छा जनरली लास्ट कोड चेक किया बफर ओवरफ्लो के लिए तो उसमें प्रॉब्लम्स नहीं मतलब ये एक ऐसा चीज था जो लाइक इनिशियली प्रॉब्लम आया था लोगों को पर अब मोस्टली ठीक कर दिए हैं सब कोई अपने अपने मोस्टली इसका अभी एक ही प्रॉब्लम होता है वो जो सर्वर डाउन होता है वो सर्वर डाउन करना भी एक तरह का प्रिवेंशन है उसको सब्सटेंशियल डेटा ना देके आप सर्वर डाउन कर दीजिए तो जैसे एक और प्रोग्राम है यहाँ पे मेरे पास ये जो प्रोग्राम है ये क्या कर रहा है ये आपसे एक जिस ये फंक्शन है वो आपसे इनपुट मांग रहा है ये 4 बिट्स का ही है ठीक है इसका तो ये क्या बोल रहा है इज दिस कोड सिक्योर आंसर वाई और ठीक है यहाँ हम लोग गेट्स यूज कर रहे हैं गेट्स नहीं यूज किए गेट्स जो है अवेलेबल है बफर ओवरफ्लो से गेट्स ने आंसर दिया और यहाँ पे फंक्शन रन किए इसको अगर हम लोग रन करते हैं ये देखिए यहाँ पे वार्निंग दिया गेट्स के लिए और ये भी वो कर रहा है कि एफगेट्स यूज करना चाहिए गेट्स की जगह जनरली वो इसलिए क्योंकि बफर ओवरफ्लो ना हो इसको हम लोग रन करेंगे तो यहाँ पे आप दो आंसर दे सकते हैं या तो वाई या तो एन या फिर 4 बिट्स में कोई भी आंसर दे सकते हैं अगर वाई नहीं हुआ तो वो अपना रिजेक्ट कर लेकिन अगर आप 5 बिट्स का आंसर देते हैं जैसे कि मे बी मेबी जब ये तो क्या हुआ स्टैक स्मैशिंग डिटेक्टेड टर्मिनेटेड तो पहले क्या होता था ये सब्सटेंशियल डेटा रिटर्न करता था लेकिन अब क्या होता है सीधे स्टैक स्मैश सर्वर डाउन अब कोई आई का काम नहीं होगा तो ये भी आपका प्रिवेंशन ही है लेकिन वही इससे सर्वर डाउन हो जाता है मतलब एक तरीके से कंपाइलर ही उसको नहीं ये लिनक्स कर्नल ऐसा इंटरप्ट दे रहा है कर्नल पे होता है हां जीसीसी हमेशा कर्नल लेवल पे होता है मतलब कंपाइल टाइम में तुमको एरर नहीं दिया लेकिन कर्नल तुमको इंटरप्ट दे दिया कि नहीं भाई ये हम अलाउ नहीं करेंगे हां जो कर्नल का लेआउट होता है ना कर्नल का लेआउट क्या होता है पहले कर्नल में जाता है स्टैक फिर हीप और नीचे में टास्क मतलब जो टास्क परफॉर्म करना है तो अगर आपका स्टैक में ही एरर आ गया तो टास्क तक जाएगा ही नहीं तो ये बफर होता है। अच्छा आज का सेशन में और कुछ है जैसे कि आप तो पूछ रहे थे कि मतलब अगला सेशन का थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकते हैं क्या तो अगला सेशन का ओवरव्यू ओवर देंगे तो बफर ओवरफ्लो में तुम्हारे पास अभी इतना ही है ना बफर ओवरफ्लो में इससे ज़्यादा है नहीं मतलब ये सब बहुत ढूंढना पड़ा हार्ड डिस्क का ये सब 2004 का बस अब तो होता नहीं ना तो अभी कोई रिसेंट का कोई केस भी नहीं था सबसे रिसेंट को हार्ड डिस्क का और ये जो PHP वाला आपको बग पता है ठीक है तो अभी तुम फिर इसके आगे क्या बताओ इसके आगे जैसे आगे का हम लोग का जो नेक्स्ट सेशन जब स्टार्ट होगा उसमें वेब सिक्योरिटी में जाना तो वेब सिक्योरिटी में जो हम लोग जिस पे फोकस करने वाले हैं वो ये सब मेट्रिक्स ही होगा मतलब उसके अंदर कोशिश था उसमें प्रिविलेज एस्केलेशन और कंट्रोल हाईजैकिंग बफर ओवरफ्लो ये सब से रिलेटेड भी अटैक्स बताया है जैसे कि एक अटैक होता है फॉर्मेट स्ट्रिंग एरर जो कि बफर ओवरफ्लो अटैक है लेकिन हमको होता नहीं तो हम वो सबको हटा के ये इसमें से हम कुकी ऑथेंटिकेशन भी शायद ही मतलब वो देखेंगे इस पर देखना पड़ेगा कि ये बताएंगे कि
इसमें सब बताएंगे, इंजेक्शन होगा हम लोग का टॉपिक, फिर सिक्योरिटी मिसकंफिगरेशन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, यूजिंग कमांड्स विद नोन वल्नरेबिलिटीज, इनसफिशिएंट लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग. ये इनसफिशिएंट लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग चेक मॉडलिंग का एक पार्ट है. अच्छा. और इंजेक्शन भी एसक्यूएल इंजेक्शन, एचटीएमएल इंजेक्शन, फिर जेएस वल्नरेबिलिटी इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में पास सीएसआरएफ एक्सेसेस सवाल है. तो वही है, तो मतलब ये हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक्स में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे. अच्छा. वही था, उसमें अभी दो तीन टॉपिक्स और था जो हम आपको बोले थे कि शुरू में कि ओसीडब्ल्यू में मतलब बहुत ज़्यादा जो दिया हुआ है वो नहीं होता, तो ये बफर ओवरफ्लो, कंट्रोल हाईजैकिंग, यही सब था. अब बफर ओवरफ्लो का असली मीनिंग हम तुमको बताते हैं. चलो, कभी असेंबली लैंग्वेज में यहाँ पे कितना लोग प्रोग्रामिंग किया है, माइक्रो प्रोसेसर कितना लोग असेंबली में किया है ना, हाँ 8085 वाला. महक तुम की हो एक एक करके बोलो. ठीक है, तो अभी तुम अपना स्क्रीन दिखाओ और उसमें हमको एक असेंबली कोड दिखाओ. तो मेरा स्क्रीन था. हाँ. मेरा स्क्रीन में असेंबली का कोड दिखा, मिनट में टच करना होगा. कभी प्रोग्राम नहीं किया लेकिन असेंबली लैंग्वेज मतलब पता है, ऐड पुश मतलब स्टैक में ही पुश होता है ना. असेंबली लैंग्वेज के बारे में अलग क्या है, लो लेवल लैंग्वेज जो सी है, ठीक है, सी और असेंबली लैंग्वेज में क्या अंतर है? ऑपरेटर्स का क्या मतलब, सी और असेंबली लैंग्वेज में क्या अंतर है? ऑपरेटर्स का डेफिनेशन मतलब असेंबली लैंग्वेज या फिर डेटा स्ट्रक्चर जो होता है जिसमें डेटा स्टोर होता है, उसका थोड़ा डिफरेंशियल है, क्योंकि असेंबली में हमेशा स्टैक में ही स्टोर होता है, तो जो भी डेटा होता है एक स्टैक में स्टोर होता है, उसका इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, पोस्टफिक्स टू इनफिक्स, प्रीफिक्स, वो सब मेथड्स में जाके फिर उसका कंप्यूटेशन होता है. लेकिन सी में हम लोग दूसरा भी डेटा स्ट्रक्चर्स यूज कर सकते हैं. सबसे मेजर डिफरेंस क्या है सी में और असेंबली में? सी और असेंबली में सबसे ज्यादा बड़ा मेजर डिफरेंस क्या है? जहाँ तक हम उसके असेंबली में कंट्रोल सबका और ज्यादा मिलता है, मतलब आप मेमोरी के साथ और अच्छा से ये कर सकते हैं. जहाँ तक हम किया हो वो डिफरेंस है कि नहीं, वो क्या फास्ट मतलब फास्ट वो होता है क्या, एग्जीक्यूट होता है कोड असेंबली लैंग्वेज में थोड़ा कोड मतलब वो क्या होता है मशीन के ज़्यादा पास से देखा जाए तो मतलब उसमें कोड ज़्यादा फास्ट एग्जीक्यूट हो. असेंबली लैंग्वेज आर्किटेक्चर स्पेसिफिक होता है. हाँ भाई, मतलब कोई भी मशीन के लिए अगर तुमको कोड लिखना है तो जितना मशीन उतना लैंग्वेज. मशीन का आज के डेट में अगर तुम्हारा इंटेल का भी कोई नया सीपीयू निकलता है तो वो सीपीयू के साथ एक इंस्ट्रक्शन सेट निकलता है कि ये सीपीयू ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. ठीक है, तो वैसे ही जब हम लोग 8085 में असेंबली लैंग्वेज लिखते थे तो दैट वाज लिमिटेड टू 8085 का इंस्ट्रक्शन सेट. ठीक है, और हम लोगों के बगल में एक चार्ट रहता था कि MOV का एक्चुअल बाइनरी वैल्यू इज समथिंग, CP का एक्चुअल बाइनरी वैल्यू इज समथिंग, तुम्हारा ADD का एक्चुअल बाइनरी वैल्यू इज समथिंग. तो असेंबली में अगर ऐड 2132 है तो दैट इज़ नॉट ऐड 2132 इन मशीन रिप्रेजेंटेशन, दैट इज़ समथिंग लाइक 32 2132. और जो प्रोग्राम रन करने वाला चीज़ होता है कि भाई प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट उसको दे दो कि कौन सा मेमोरी एड्रेस से वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा और उसके बाद वो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करते जाता है. अब जैसे उसको मेमोरी एड्रेस दे दो
3640 में उसको मिला 32, तो 32 के लिए वो अपना इंस्ट्रक्शन सेट देखेगा कि 32 किस टाइप का है, एक इनपुट लेता है कि दो इनपुट लेता है कि कितना इनपुट लेता है, जितना इनपुट लेता उतना ढूंढेगा ये तो मतलब। तो उसके बाद देखो 32 है, मान लो ऐड है, वो दो इनपुट लेता है, तो उसके बाद का जो चार मेमोरी एड्रेस है, मान लो एक इनपुट का वर्ड लेंथ तुम्हारा 16 है, उस समय तो 8 होगा और इनपुट का साइज 16 मान के चला है जो भी उस चिप को डिज़ाइन किया है, तो अगला चार मेमोरी एड्रेस में से पहला दो मेमोरी एड्रेस को वो पहला इनपुट के जैसा लेगा, अगला दो मेमोरी एड्रेस को वो दूसरा इनपुट के जैसा लेगा, ठीक है। और उसके बाद जो पांचवा मेमोरी एड्रेस होगा उसमें फिर उसको फिर वो एज एन इंस्ट्रक्शन लेगा, उसको एज एन इनपुट नहीं लेगा, समझ रहे हो? हेलो, हाँ भैया समझ अच्छा था इसको, कोई बात इस बात को कोई समझ रहा है कि हम अगर एक इनपुट लिए, ठीक है, पहला जो इनपुट, पहला जो रीड करना मेमोरी को शुरू किया दैट इज इंस्ट्रक्शन, एंड उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रक्शन वो अगला एन नंबर ऑफ मेमोरी को एज एन इनपुट लेगा, उसके बाद फिर वो सारा इनपुट को एज लाइक वो सारा मेमोरी को एज एन इनपुट लेने के बाद जो अगला मेमोरी होगा दैट विल बी टेकन एज एन इंस्ट्रक्शन। तो बेसिकली बफर ओवरफ्लो अटैक क्या करता था, हमें बोलिए हेलो, आवाज नहीं आ रहा अभी, हेलो भैया आपका आवाज नहीं आ रहा भैया, हेलो गया नेट डाउन, लाल लाल नेट है ना उनका, येलो हुआ, हेलो अब यार जो बोले रिपीट मार रहा, क्या करता है बफर ओवरफ्लो को क्यों करता, देखो अगर कोई इंस्ट्रक्शन मतलब मेमोरी में जा रहा है तुम्हारा बाहर से, ठीक है, और तुम मेमोरी को इनफाइनाइट वाला कुछ दे दो, ठीक है, कि भाई जो भी इनपुट कर रहा है वो मेमोरी को पूरा बढ़िया से एक्सेस कर सकता है, तो वहाँ पे मेन मुद्दा क्या हो जाता है ना कि तुम उसको जितना उसका मेमोरी साइज है उससे ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट दे दो, समझा, मैंने वो ऐड है ऐड फंक्शन, उसके बाद तुम उसको 32 देने के बजाय 32 को ऐसे मैनिपुलेट करो कि उसके बाद वाला जो मेमोरी एड्रेस है, जो जिस मेमोरी एड्रेस को वो एज अ फंक्शन देखेगा, 8085 का जो असेंबलर है वो उसको एज क्या एग्जीक्यूट करना है वो देखेगा, तो तुम 8085 से अपने मन का इनपुट एग्जीक्यूट करवा सकते हो, समझ में आ रहा है? हाँ वो तो ठीक है। तो ये जो एक्चुअली मेमोरी एड्रेसिंग होता है ना, तो मेमोरी आज भी पीसीज में ऐसे ही काम करता है कि कोई भी सीपीयू का इंस्ट्रक्शन सेट है वो मेमोरी को एक पॉइंट से रीड करना शुरू करेगा और उसके बाद पहला में देखेगा अच्छा हमको ये इंस्ट्रक्शन करना है, तो ये इंस्ट्रक्शन इतना सेट और इतना सेट मेमोरी से इसका दो इनपुट बनता है, तो वैसे वो दो इनपुट बनाएगा, उसमें फिर कुछ प्रोसेस करेगा और उसका आउटपुट दे देगा चैनल पे, फिर उसके बाद वो इंस्ट्रक्शन पढ़ेगा। तो जहाँ पे मेमोरी एंड होता है तुम डेटा को ऐसे क्राफ्ट करो कि डेटा के बाद वो जो इंस्ट्रक्शन है उसको तुम ओवरराइट कर सको, और अगर वो बफर को ओवरराइट कर पाया, यानी कि मतलब अगर इनसिक्योर चैनल से तुम उसको डेटा दिए हो, यानी कि लैंग्वेज या प्लेटफॉर्म या ओएस कुछ भी वो चेक नहीं किया कि जो इनपुट हम लिख रहे हैं वो उसके बाद एग्जीक्यूशन वाला बिट को चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो दैट इज़ द मेन सिक्योरिटी कंसर्न ऑन अ बफर ओवरफ्लो अटैक, जिससे कि लोग ऐसा किए हैं कि रूट एक्सेस ले लिया मशीन का, बिकॉज उसके बाद का जो मेमोरी बफर है वो ऐसे लिखे कि एग्जैक्टली वो मशीन उनको रूट एक्सेस दे दिया स्टेप बाय स्टेप। वो मान लो एक बाइनरी SH फाइल लिखे होंगे और उसके बाद जो भी सिस्टम में होता है उसका स्टेप बाय स्टेप मतलब एक्चुअली इंस्ट्रक्शंस देख लिए होंगे कि अच्छा ये इंस्ट्रक्शंस है के रूट यूजर में चेंज भी किए होंगे। हालांकि का लेवल मतलब इनफिनिट घुसा दो, तो
शुरू शुरू में बफर ओवरफ्लो अटैक ऐसे किया रहता था और उसका मतलब ऐसा कहानी था, लेकिन अब जो सिस्टम है वो इस अटैक को काफी अच्छे से समझ गया है। लेकिन ये सब अटैक मैंने सिक्योरिटी रिसर्चर इसलिए समझना ज़्यादा बेहतर समझते हैं ना, क्योंकि पूरा दुनिया में जितना भी आर्मी का इक्विपमेंट है या फिर यहाँ तक कि न्यूक्लियर लॉन्च इक्विपमेंट है, उसके चारों ओर जो कंप्यूटर सिस्टम है वो अभी भी 1980s का है। हाँ। वो विंडोज 7 विस्टा 8 और उबंटू पे नहीं चल रहा है, वो डॉस पे चल रहा है, 8085 पे चल रहा है, असेंबलर पे चल रहा है, उस तरह का कंप्यूटर पे चल रहा है। और ज्यादातर मतलब देखा भी जाए तो ज्यादातर जो जहाँ पे प्रोसेसिंग होता है किसी भी चीज का वो सारा सी या सी प्लस प्लस में ही लिखा हुआ है जैसे। हाँ, लेकिन अब सी और सी प्लस प्लस का भी कंपाइलर या फिर जहाँ वो रन करता है वो लिनक्स कर्नल, वो ये सब अटैक को अब समझ रहा है लेकिन पहले नहीं समझता था। हाँ, अब बफर ओवरफ्लो होता है सी और सी प्लस प्लस में तो वो प्रोग्रामर का गलती है। ठीक है, अभी के टाइम में बफर ओवरफ्लो वल्नरेबिलिटी डालना सिस्टम में काफी मुश्किल है, अनलेस मतलब काफी आउटडेटेड सिस्टम। इसको यहीं पे छोड़ते हैं और मेरा रिकमेंडेशन ही यही होता है कि अगर मैंने प्रोग्रामिंग को सही में समझना है, मैंने जो जादू है कि भाई कंपाइलर कुछ जादू करता है और हम लोग का कोड काम करने लगता है, रन कर, हाँ, तो कंपाइलर लेवल पे समझना बहुत जरूरी होता है। वो जादू को खत्म करने के लिए एक बार असेंबली में कोड लिखना और खुद से मशीन कोड लिखना। एक्चुअली जब हम लोग 8085 का लैब करते थे तो हम लोग असेंबली में कोड तो लैब प्रैक्टिकल कॉपी में लिखते थे, पर एक्चुअली जो वो मशीन था तो जो किट था उसमें दोनों तरीका था, तुम वो कोड भी लिख सकता था मैंने असेंबलर से और उसके बाद फिर कोड को असेंबल करेगा एक स्टार्टिंग मेमोरी पॉइंट देके और वो वैसे हो जाएगा। हम लोग क्या करते थे कि हम लोग सीधे उसका मेमोरी में जाते थे, मेमोरी में जाके बिट एडिट करते थे, तो बेसिकली हम लोग मशीन लैंग्वेज लिख रहे थे वहाँ पे। अच्छा, आपका तो ईसी ब्रांच था ना? और क्योंकि वो हेक्स था ना, क्योंकि वो हेक्साडेसिमल नंबर होता है। हाँ। तो हम लोग को नहीं लगता है कि हम लोग मशीन कोड लिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो होता है मशीन कोड ही। ठीक है, और उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग पढ़े थे कि कैसे काम करता है, कि ये सारा कोड उसमें काम करता है। तो वो जादू का ख़त्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ये समझ में आएगा कि हम लोग जो सिक्योरिटी का बात कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जो भी कोड लिख रहे हैं या जो भी चीज़ है वो उसी पे काम कर रहा है। आज भी वो कोर कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हुआ है, कहीं भी कंप्यूटर है तो वैसे ही काम करेगा, प्रोसेसर है तो वैसे ही मेमोरी को एक्सेस करेगा। हाँ, हायर लेवल में प्रोसेसर कोड करना मतलब पॉसिबल ही नहीं है अभी के टाइम। लेकिन बस वही है कि अब क्या है कि इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है प्रोसेसर का जो इंस्ट्रक्शन सेट है, x86 x64 ये सब क्या है, ये इंस्ट्रक्शन सेट है। ARM V6, ARM V7, X86, X64 ये सारा इंस्ट्रक्शन सेट है। इसका मतलब ही है कि जो CPU बोलता है X64, मतलब वो CPU इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि X64 इंस्ट्रक्शन सेट का हर एक इंस्ट्रक्शन को वो फॉलो करेगा। ठीक है, तो आज का सेशन के लिए और कुछ है? नहीं, और कुछ नहीं। और क्या भी अच्छा था बफर ओवरफ्लो अटैक, कोई सवाल विश्वास महक? महक उड़ गई है, कोई सब उड़ जाएगा, महक नहीं उड़ेगी, सो गई। महक सो गई कैसे? महक मतलब काफी कंफ्यूज देख रही हूं, बात कर दो। पिछला बार भी चलते बने, कोई सवाल है क्या? नहीं नहीं, ये 8085 वाला सब्जेक्ट अच्छा से पढ़ना तुम लोग, बहुत बहुत बेकार चीज है, मैं माफ कर रहा हूं। और लेकिन अल्टीमेटली जब समझ में आया ना कि चीजें कैसे काम कर रही है, मतलब जब एक पॉइंट पे समझे तब मजा आने लग गया। मैंने वो एक सब्जेक्ट था जहाँ पे जादू खत्म होता है, प्रोग्रामर के लिए
वो जो जादू होता है ना कि हम कोड लिखे कोई और लैंग्वेज में, कंपाइल किए, तो एक होता है कि हाँ भाई 0101 में हो जाता है, वो हम लोग समझ लिए, हाँ ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली वो 0101 में कैसे होता है और क्या हम 0101 लिख सकते हैं और 0101 को कैसे मैनिपुलेट करते हैं मेमोरी के अंदर ही जाके और उससे कैसे हम लोग अपना पूरा चीज़ क्लियर करते हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। उसमें कुछ रेस्ट्रिक्टेड मेमोरीज होता है कि यहाँ से यहाँ तक का मेमोरी को छोड़ दो, उसको अकेले छोड़ो, वो सिस्टम के काम करने के लिए ज़रूरी है। फिर कुछ एड्रेसेस होता है जहाँ पे हम प्रोग्राम लिखते हैं, फिर कुछ एड्रेस स्पेसिफाई करते हैं जहाँ पे मेरा आउटपुट जाएगा। तो एक ही सेट ऑफ मेमोरी है, एड्रेसेस है जिसके साथ हमको खेलना है, उसको हम कैसे करें। और यही सोचो कि आज का पीसी में, एक नॉर्मल लिनक्स मशीन में तुम्हारा लगभग 111 सर्विस अभी कंकरेंटली चल रहा होगा तुम्हारा मशीन में आइडल पे, और फिर क्रोम चालू की हो, अभी इतना सारा वेब आरटीसी कॉल वगैरह हो रहा है, वो सब मेमोरी में ही अपना वो पूरा चीज़ लिख रहा है और मेमोरी में ही आउटपुट दे रहा है, हर कुछ मेमोरी से ही हो रहा है। तो कैसे हैंडल होता होगा कि एक प्रोग्राम का मेमोरी स्पेस दूसरा प्रोग्राम का मेमोरी स्पेस को ओवरराइड ना करे, ये पूरा चीज़ का जो मैनेजमेंट होता होगा वो कैसे होता होगा, और ये जो जो स्टैक होता है, हीप होता है, ये सब कहाँ होता है? तुम्हारा रैम में होता है, हार्ड डिस्क में नहीं होता है? जहाँ पे तुम्हारा प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है शायद। स्टैक और हीप में क्या अंतर होता है? स्टैक डायनेमिक ही होता है, हीप डायनेमिक होता है। मैं लॉक कर कहां से किसको क्या कंपेयर कर रहे हैं आप? क्या हीप तो मेमोरी हो जाना भैया, और स्टैक आपका वो प्रोग्राम में जो हम लोग मेथड यूज करते हैं। मेमोरी भी दो तरह का होता है, एक होता है स्टैक होता है और एक हीप होता है। अच्छा अच्छा, हीप मेमोरी या डायनेमिक मेमोरी होता है? मेमोरी वाला स्टैक, सॉरी सॉरी, मेमोरी वाला स्टैक। किसी में पहले से साइज डिफाइन नहीं होता, उसका साइज आप रन टाइम पे डिफाइन कर सकते हैं, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करता है। जैसे जावा एक रन टाइम पे काम करता है, ठीक है, लेकिन सी तुम्हारा प्री कंपाइल्ड होता है, तो अगर तुम सी कोड कंपाइल कर दिया तो रन करते समय एक स्पेसिफिक हीप और स्टैक साइज एलोकेट होगा कहीं ना कहीं। नहीं, हीप स्पेसिफिक नहीं होता, हीप एलोकेट नहीं होता स्पेसिफिक, मतलब सी में भी, और स्टैक स्पेसिफिक एलोकेशन होता है। हाँ, तो सारा कॉन्स्टेंट्स और जो मेमोरी का फंक्शन का एड्रेस है वो स्टैक में स्टोर होता है, और जितना भी रन टाइम वेरिएबल का एड्रेस है वो हीप में स्टोर होता है, ऐसा कुछ है। तो इसको एक बार देख लेना, फैक्ट चेक कर लेना, वो याद नहीं है। अच्छा, स्वैप मेमोरी कितना रखते हैं भैया आप? जो वो बोले ना कि रैम से जाता है, वो रैम के बाद सीधे कहाँ अटैक करता है? वो स्वैप में करता है। स्वैप में क्या अटैक करेगा? स्वैप में बहुत चीज छोड़ता है। रैम भरने का बात नहीं है, देखो यहाँ पे रैम भरने का बात नहीं है, हर प्रोग्राम को जो रैम एलोकेट हुआ है ना वो एलोकेशन के बाहर जाने का बात है। जैसे तुम्हारा ऐड जो इंस्ट्रक्शन है, तो वो ऐड इंस्ट्रक्शन को उसके बाद का चार जो रैम है, वो चार जो मेमोरी एड्रेस है वो एलोकेट हुआ है। तो अगर डेटा पांचवा या छठा मेमोरी एड्रेस में चला जाता है, तो पांचवा मेमोरी एड्रेस जिसको जहां पे मे बी कोई और इंस्ट्रक्शन हो, दैट हैज बीन ओवर रिटन इनटू अ न्यू इंस्ट्रक्शन, समझा? तो यहाँ पे वो एलोकेटेड मेमोरी एक्सीड करने का बात है। यहाँ पे तुम्हारा एग्जैक्टली पूरा, मतलब ऐसा नहीं है कि रैम 8 का 8 GB भर गया, 8 GB भर गया, हाँ। 8 GB का रैम भरने के पहले ही तुम्हारा सिस्टम क्रैश कर सकता है, अगर लिनक्स कर्नल तुम्हारा उसको इंटरप्ट दे दे कि नहीं भाई तुमको इतना एलोकेट हुआ, उससे बाहर जा रहे हो।
वही तो टेम्पररी स्टोरेज होता है ना बफर जो, और मोस्टली लिनक्स सिस्टम इंटरप्ट नहीं करता है, वो स्पेसिफिक प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा। सिस्टम क्रैश करने वाला ओवरफ्लो अटैक आज के डेट में बहुत इम्पॉसिबल टाइप का है, वो फिर तुम्हारा डीडीओएस है, मतलब वो ओवरफ्लो अटैक नहीं है। और ओवरफ्लो अटैक तब होता है जब तुम एक्चुअली में डेटा पास कर पा रहे हो सिस्टम को, ऑथेंटिकेटेड हो और डेटा पास कर पा रहे हो। और डीडीओएस इज या डॉस अटैक इज मोस्टली लाइक योर सिस्टम में घुसने का कोशिश कर रहे हो बार बार क्रेडेंशियल्स कर रहे हो, मतलब डेटा रिक्वेस्ट कर रहे हो। हाँ, इट्स नॉट कि तुम से सिस्टम डेटा एक्सपेक्ट कर रहा है, पर ये बफर ओवरफ्लो अटैक तभी कर सकते हो जब तुमसे डेटा एक्सपेक्ट कर रहा है सिस्टम। ये तो बहुत, मतलब आप जो बोले वो तो डॉस है, डीडीओएस सब डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस है। अरे एक ही बात है ना, सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना। हाँ, सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा सा डिफरेंस है। मैंने बस वही है कि जब तक पासवर्ड गेस नहीं कर लें तब तक यूजर नेम पासवर्ड डालते रहे, वो ब्रूट फोर्स है, वो डॉस भी नहीं, वो ब्रूट फोर्स अटैक हो गया, मतलब जबरदस्ती डाले जा रहे जब तक फोन नहीं रहा। तो डॉस में क्या होता है, डॉस में तो आप मतलब डेटा रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, जैसे ब्रूट फोर्स डॉस सब बफर ओवरफ्लो ही अटैक है, फॉर्मेट स्ट्रिंग अटैक, ब्रूट फोर्स अटैक, सारा में क्या कोशिश कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं तो पासवर्ड का भी जो बफर बना हुआ तो ओवरफ्लो हो जाएगा ना। बफर का बात ही नहीं आता वहाँ पे, बफर कब बन रहा है जब तुम्हारा प्रोग्राम इनपुट एक्सपेक्ट कर रहा है, प्रोग्राम तो रिक्वेस्ट को ही रिजेक्ट कर दे रहा है। तो वो डॉस हुआ ना, आप जो बोले पासवर्ड गेस करने के लिए, तो पासवर्ड तो मैच कर रहा है ना, तो मतलब पासवर्ड में तो एक्सेप्ट कर रहा है इनपुट। हाँ, तो वहाँ पे कहाँ तुम्हारा ओवरफ्लो का चांस बनेगा, वो ब्रूट फोर्स हो गया जो पासवर्ड में एक्सेप्ट करके जो कंपेयर करेगा, कहीं ना कहीं तो स्टोर करेगा ना। तो वो स्टोर कहाँ करता है, वो टेम्पररी स्टोरेज में ही स्टोर करेगा और उसका भी एक लिमिट होगा। हाँ, तो वो भी अगर अनप्रोटेक्टेड रहेगा तो उसको दे के तुम वो कर सकते हो डिनायल ऑफ सर्विस, नहीं वो बफर ओवरफ्लो, मतलब बफर ओवरफ्लो एक टेक्निक हो गया जिसको कहीं पे यूज किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है अगर वल्नरेबल है बफर ओवरफ्लो से, तो बहुत सारा अटैक एक फॉर्मेट स्ट्रिंग अटैक है जनरली बफर ओवरफ्लो में वही करता है, लेकिन अब नहीं होता, हमें अब काम नहीं करता होगा कहे कि जितना भी सर्वर है सब में फिक्स डिप्लॉय हो गया होगा। हाँ, अगर अपडेटेड है तो वही है कि मतलब अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है बफर ओवरफ्लो से बचना। समझा विश्वा भी पूरा खुश हो गया, बफर ओवरफ्लो तो हो ही नहीं सकता है डार्ट में, नहीं हो सकता है, वही है जेएस और डार्ट में नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता ऐसा नहीं, लेकिन जहाँ तक देखे वहाँ पे सारा जगह बोला गया ना कि चांसेस कम रहता है जो ठीक है जो लैंग्वेजेस वगैरह है। नहीं मतलब बेसिकली अगर हो भी सकता है तो हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वो जो लोग लैंग्वेज का गार्बेज कंपाइलर लिख रहा है, जो लोग लैंग्वेज का रन टाइम लिख रहा है, इट इज देयर जॉब। मतलब एक्चुअली में क्या कहानी है वो ये है कि अब हम लोग का कंट्रोल के बाहर है, अगर सी या सी प्लस प्लस लिख रहे होते, सी लिख रहे होते या असेंबली लिख रहे होते तो वो हम लोग का कंट्रोल में है, लेकिन अभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग का नहीं है। अगर बफर ओवरफ्लो हो भी रहा है कोई फंक्शन पे तो वो हम लोग के कंट्रोल में है ही नहीं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बग रिपोर्ट कर सकते हैं और वो लोग डार्ट का एसडीके को फिक्स कर सकते हैं। हाँ, ये सही बोल रहे हो, आप एक चीज़ कर सकते हैं ना, जैसे एक जो ऐसे प्रोग्राम बताए थे जो गेट्स फंक्शन यूज किया था, टर्मिनेट कर दिया था, अगर उसमें एक अगर चेकर होता जो चेक करता कि अगर यस नो के अलावा कुछ हम लोग भेज रहे हैं तो उसमें मतलब वो रन ही नहीं करता, वो बोलता है कि नहीं मतलब गार्बेज वैल्यू प्लीज एंटर यस और नो, अगर वो कर देता तो प्रोग्राम का भी क्रैश ही नहीं करता। ठीक है, चलो क्या गार्बेज वैल्यू प्लीज एंटर, हाँ वो भी बात है कि अगर यस नहीं है नो नहीं है तो गार्बेज है, गार्बेज दोस्तों, अगर मतलब प्रोग्राम ले ही ना जो मतलब वो उससे पहले ही हम लोग चेक कर दें एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं करते हैं उसको, इनपुट वैलिडेशन कहते हैं,
एक्सेप्शन हैंडलिंग में भी तो वही होता है, सारा एक्सेप्शंस चेक कर लो, अगर ये एक्सेप्शन अच्छा नहीं है, एक्सेप्शन हैंडलिंग में एक्सेप्शन को इग्नोर कर देते हैं। हां ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग और ट्राई कैच जो होता है, ये भी तो मैं एक बात बोला कि ट्राई कैच उसको हैंडल करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, नहीं ट्राई कैच एक्सेप्शन को हैंडल करने में फ़ायदा करता है। तुम जो बोला उसको इनपुट वैलिडेशन किए, वैलिड नहीं है तो एक्सेप्शन थ्रो किए, सिक्योरिटी हम जो एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं वो एक्सेप्शन सिक्योरिटी के लिए है और उसका एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए ट्राई कैच है। ट्राई कैच तो मेथड बताए कि मतलब क्या कर सकते, डेटा वैलिडेट करना और डेटा वैलिड नहीं हो तो एक्सेप्शन थ्रो करना, आई थिंक दैट इज व्हाट यू मेंट बाय दैट उस समय। तो अलर्ट कर देना कि नहीं भाई यहाँ पे गलती है। हाँ ठीक है, चलो 1 घंटा 12 मिनट हो गया है, कोई फाइनल क्वेश्चन है तो पूछ लो, फिर हम लोग अपने अपने काम पे लगते हैं। हेलो, अगला क्लास कब होगा वो तो अब तुम बताओ।